नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती होने वाला है। टोटल 82 पोस्ट है। आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान 8,000 से लेकर 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और एक साल का ट्रेनिंग होने वाला है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर को साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे जिन्होंने ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीम देख सकते हैं, एनवायरनमेंट कम सिविल। आपको क्वालिफिकेशन चाहिए एनवायरनमेंट अथवा सिविल अथवा केमिकल इंजीनियरिंग पे डिग्री अथवा डिप्लोमा। टोटल वैकेंसी चार। दोस्तों, स्टाइपेंड मिलेगा 8,000 से लेकर 9,000। अगर आपका डिप्लोमा डिग्री है तो 8,000 और ग्रेजुएट डिग्री है तो 9,000। डिप्लोमा डिग्री बोल दिया दोस्तों, अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 8,000 और डिग्री होल्डर को 9,000। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में क्वालिफिकेशन चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा ग्रेजुएशन। 25 पोस्ट है, 8,000 से 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। दोस्तों, ई एंड सी नेक्स्ट पोस्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे डिग्री अथवा डिप्लोमा। टोटल 20 पोस्ट। उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 पोस्ट, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा अथवा डिग्री। कंप्यूटर नेक्स्ट पोस्ट, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे डिग्री डिप्लोमा। 12 पोस्ट। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स क्वालिफिकेशन अप्लाइड फिजिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स पे इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा। 3 पोस्ट। लाइब्रेरी साइंस 8 पोस्ट है, लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस, ट्रेड नेम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस 8 पोस्ट है, ठीक है। वैकेंसी मिल गया। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, आपको एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यानी जो nats.education.gov.in पोर्टल है, यहाँ पर आप लोगों को जाके ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई से पहले आप लोगों को ऑफिशियल जो पोर्टल है अप्रेंटिसशिप का वहाँ पे आपका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। जब आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ जितना डॉक्यूमेंट्स है आपका, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिजर्वेशन, जितना भी है, जब आप खाम पे डाल के सेंड करोगे तो खाम के ऊपर क्या लिखना है देखो, खाम के ऊपर आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अप्लाइड फॉर, देख सकते आप। उसके बाद आप लोगों को पोस्टल एड्रेस फॉर द सबमिटिंग एप्लीकेशन कहाँ पर आपको सेंड करना होगा, द डिप्यूटी रजिस्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी शाहबाद दौलतपुर भावना रोड दिल्ली 11004। इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना होगा। डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह है वो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जो आप लोगों को फिलअप करके सेंड करना होगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर का लिंक दोनों ही आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। दोनों लिंक ओपन करने से आप लोगों को ये भी एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर मिलेगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिलेगा और NATS पोर्टल एडुकेशन जो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो क्लियरली कोई एडवर्टाइजमेंट नंबर तो नहीं मिले, ठीक है। आप लोग ये लाइन दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2024-25। बस इसके अलावा तो मुझे यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं दिखाई दिया एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद दोस्तों, NATS एनरोलमेंट नंबर, जब आप नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपका नाम एनरोल करेंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर आप लोगों को सेव कर लेना है और यहाँ पर बिठाना है सेकंड कॉलम में। 3 नंबर पर दोस्तों, टाइप ऑफ अप्रेंटिसशिप, आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर डिप्लोमा, आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है या ग्रेजुएट, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा अप्रेंटिस। 4 नंबर पर, ब्रांच एंड डिसिप्लिन अथवा सब्जेक्ट, कौन सी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, लाइब्रेरी, जो भी है आपका स्ट्रीम आप बैठेगा। 1st नंबर पे एप्लीकेंट नेम इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम
उसके बाद आपके पिताजी का नाम, अगर आप महिला हो तो आपके हस्बैंड का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, 8 नंबर पे नेशनलिटी इंडियन, 9 नंबर पे आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर, 10 नंबर पे कैटेगरी एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस जो भी कैटेगरी अप्ली किया गया यहाँ पे, उसके बाद जेंडर आप महिला है कि पुरुष, ठीक है, महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आपके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा शारीरिक रूप से। 13 नंबर पे कोरेस्पॉन्डेंस सेंटर, जहाँ पर आपके साथ संपर्क किया जा सकता है, ऐसा एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे देने के लिए बताया गया है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपकी परमानेंट एड्रेस इन ब्लॉक लेटर, ये जो एड्रेस आप लिखेंगे दोनों ही एड्रेस ब्लॉक लेटर में लिखना है। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में, आपके आइडेंटिटी प्रूफ में जो एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस आप दे दीजिएगा। और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहाँ पर आपको संपर्क कर सके, वो परमानेंट एड्रेस नहीं भी हो सकता है कि मेरा घर यहाँ पर, मैं रहता हूँ दूसरा एक जगह, तो आपका तो वहाँ पर ही आपका पूरा डिटेल्स भेजना पड़ेगा, अगर संपर्क करना चाहे तो उधर ही जाना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो ईमेल करेगा। मोबाइल नंबर भी वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करके कुछ बात कर सके। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेल्फ अटेस्टेड, पहले तो एग्ज़ाम देखिए, 10वीं 12, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद बीई बीटेक एंड बीएससी आपका अपना दीजिएगा। सोचो कि 10वीं कौन सी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, या फिर कौन सी बोर्ड से पास किया, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने 10वीं पास किया, उसके बाद सब्जेक्ट एंड ब्रांच, क्लास 10 पे तो सब्जेक्ट और ब्रांच कुछ नहीं होता है ना, फुल मार्क्स आपके 10वीं में टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और कितना मार्क्स आपको मिला, मार्क्स सिक्योर्ड, उसके बाद परसेंटेज, कितना परसेंटेज है ये, ठीक है, परसेंटेज कितना मिला था, डिवीजन क्लास और गेट, आपको किस कितना डिवीजन मिला, इस तरह से बाकी का जो कॉमला कॉलम है, क्लास 12 डिप्लोमा, ये सब आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। बीए बीएससी बीई बीटेक एंड बीएससी के कैटेगरी के सेम भी। उसके बाद डिक्लेरेशन आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या सर्टिफिकेट आप लोगों से, अगर 10th पास मार्क्स 12 होंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट, बी बी टी सर्टिफिकेट मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ दे दीजिएगा। उसके बाद प्लेस, कहाँ से आपने अप्लाई किया, उसके बाद डेट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। और ये आप लोगों को दिए हुए पोस्टल एड्रेस पर 25 जुलाई से पहले भेज देना है। जिनको भी अप्लाई करना है आप लोग कर लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, अप्लाई करने में भी कुछ दिन समय लगता है, ठीक है। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल ये एप्लीकेशन लिंक और नोटिफिकेशन लिंक और एनएटीएस पोर्टल लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। जय हिंद।